हेलो एवरीवन, मैं रंजन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एसपी ऑर्डर नंबर 10/2022 यानी कि एसपी ऑर्डर नंबर 10 जो कि 2022 में रिलीज हुआ था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है रिगार्डिंग रोल आउट ऑफ RICT CBS वर्जन 2.0.1 इन RICT CBS डिवाइसेस फ्रॉम 27/6/2022। बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि एसबी ऑर्डर नंबर 10 का संबंध किससे है। एसबी ऑर्डर नंबर 10 का संबंध है RICT जो डिवाइसेज हैं उसमें RICT का जो CBS वर्जन है 2.0.1 का, उसके रोल आउट से संबंधित है। बेसिकली इसमें क्या करना है हमें और क्या पूछा गया है ये बताना है। तो संबंध हमें पता चल गया कि एसबी ऑर्डर नंबर 10 का संबंध किससे है, सब्जेक्ट हमें पता चल गया। सिंपली क्या करना है कि RICT का जो वर्जन है नया वाला 2.0.1 वाला, वो डेवलप भी कर लिया गया है और टेस्टेड भी कर लिया गया है। तो सिंपली अब इसे रोल आउट करना है। तो रोल आउट के लिए क्या करना है, रोल आउट के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है, रोल आउट के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप लोग काम करते हो RICT डिवाइसेस में, तो आपके साथ में जो समस्याएँ हैं यानी कि जो एरर आती हैं उनका समाधान कौन करेगा आपको सिंपली ये बताया गया है। तो अगर कार्ड इशूअर इन ऑपरेटिव समस्या आती है तो आपको फिनेकल टीम से संपर्क करना है। अगर आपको फिनेकल सिस्टम एरर अकर्ड प्लीज कॉन्टेक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये अगर समस्या आती है तो आपको फिनेकल टीम से संपर्क करना है। अगर आपके साथ में एरर आती है फिनेकल सर्विस टाइम्ड आउट चेक ट्रांजेक्शन अपडेट, तो आपको इसके लिए भी फिनेकल टीम से संपर्क करना होगा। नेक्स्ट, अगर आपके लिए एरर आती है FSI वेव सर्विस सर्वर इंटरनल कनेक्टिविटी एरर, तो आपको RICT CVS की जो टीम है उससे आपको संपर्क करना है। नेक्स्ट, अगर आपके लिए एरर आती है अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर प्लीज ट्राई अगेन, इसके लिए भी आपको RICT CVS की टीम से आपको संपर्क करना है। अगर आपके लिए एरर आती है कि FSI वेब सर्वर टाइम आउट अकर्ड वाइल कनेक्टिंग टू सर्वर, इसके लिए आपको RICT CVS या फिनेकल दोनों में से किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके लिए समस्या आती है एरर डाउनलोडिंग और आपको फिर दर्पण की जो इंडिया पोस्ट की जो वेबसाइट है उसका आपको URL देता है और रिप्लाइड में आता है गेट अवे टाइम आउट, तो आपको RSI की टीम से संपर्क करना है। अगर आपको एरर आती है एरर डाउनलोडिंग और आपको दर्पण की फिर से वेबसाइट शो होती है और वहाँ से सर्वर रिप्लाई आता है सर्वर एरर, तो आपको इसके लिए भी RSI से संपर्क करना है। अगर आपके लिए एरर आती है कि एरर डाउनलोडिंग और ये वाला URL आता है और सर्वर से रिप्लाई आता है सर्वर एरर, तो आपको भी इसके लिए भी RSI की टीम से संपर्क करना है। स्ट्रिप बायोमेट्रिक सर्विस इनेबल इनवैलिड इनपुट्स टू सर्विस, अगर आपके लिए एरर आती है तो आपको RSI की टीम से संपर्क करना है। एरर अगर आती है टाइम आउट नेटवर्क अनरीचेबल, तो आपको नेटवर्क की जो टीम है आपको उनसे संपर्क करना होगा। तो संबंधित समस्या के लिए आपको किन किन लोगों से संपर्क करना है ये आपको बताया गया है। और उसी के साथ साथ में ये जो वर्जन है इसको किस तरीके से डिवाइसेज में रोल आउट करना है और किन किन तारीखों में करना है, इससे संबंधित भी आपके लिए एक डिटेल बनाई गई है। डिटेल में क्या है कि कर्नाटका केरल तेलंगाना वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ तक की जो वेस्ट बंगाल तक का जो एरिया है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो लोग जो सर्किल्स हैं उनका जो इटरेशन है वो 27 जून 2022, 2 जुलाई 2022, 8 जुलाई 2022 को किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन फेज में किया जाएगा। नेक्स्ट, जो ये वाले जो सर्किल्स हैं इनके लिए जो रोल आउट की जो डेट है वो ये वाली डेट है। नेक्स्ट जो सर्किल हैं, नेक्स्ट सर्किल में कौन कौन है, दिल्ली वाले सर्किल से लेकर के यहाँ तक के जो सर्किल्स हैं इनके लिए जो डेट्स हैं वो ये वाली डेट्स हैं। नेक्स्ट, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक के लिए जो डेट्स हैं वो ये वाली डेट्स हैं। और नेक्स्ट, जो नॉर्थ ईस्ट सर्किल से लेकर के उत्तराखंड सर्किल तक जो डेट्स हैं वो ये वाली डेट्स हैं। सिंपली रोल आउट्स के लिए जो तीन डेट्स हैं और कौन कौन से सर्किल को कब रोल आउट करना है, कौन कौन सी तारीखों को नोट करना है, कौन कौन सी तारीख में उनको अपनी डिवाइसेज
में जा कर के जो वर्जन हैं उनके जो भी आपके ऐप्स हैं वो अपडेट होंगे, इन तारीख्स में आपको याद रखना है विशेष करके, तो वो तारीख्स आपको दी गई हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।